प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है दूसरा तीमोथियों की पुस्तक अध्याय 1:8 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। सो डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ द टेस्टिमोनी अबाउट आवर लॉर्ड और फॉर मी हिज प्रिजनर, रादर जॉइन विथ मी इन सफरिंग फॉर द गॉस्पेल बाय द पावर ऑफ गॉड। यहाँ पौलुस तीमोथी को इस पत्र में लिख रहा है कि डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ द टेस्टिमोनी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। इसका मतलब है हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। देखो, आज परमेश्वर की गवाही देने के लिए लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, लज्जित होते हैं। एक बात याद रखिए, जितने भी आशीर्वाद और आपके जीवन में आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया है उसे कभी भी मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मनुष्यों के सामने मेरे नाम से लज्जित होता है कल स्वर्ग के राज्य में प्रभु भी आपको इनकार करेगा। जो व्यक्ति सबके सामने परमेश्वर की गवाही देता है, अपने मेहमानों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने दोस्तों के सामने परमेश्वर की गवाही देता है, वो सच्चा चेला है। देखो, आज दुख की बात है कि लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिल्म्स देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये बात सब घर वाले जानते हैं, दोस्त मेहमान सब लोग जानते हैं, इस बात पर कोई लज्जित नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह का आराधना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, बाइबिल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ, ये बात बोलने के लिए बहुत लज्जित होते हैं। क्या यीशु मसीह का उपासना करना पाप है? क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना कोई गलत काम है? नहीं ना। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको शर्मिंदा होनी चाहिए, लज्जित होना है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को आराधना करना पाप नहीं है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, आपको और मुझे बनाया है। आज हम जीवित है तो परमेश्वर की दया से है। उस सच्चा परमेश्वर को छोड़कर आपके माता पिता विश्वास नहीं करते, मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती, मेरे मेहमान लोग मुझे चीड़चाड़ करते हैं, मेरे बारे में बहुत गलत बातें बोलते हैं भाई, इसीलिए मैं परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकता, परमेश्वर के लिए बोल नहीं सकता, सीक्रेट बिलीवर हूँ मैं, अकेले में चोरी से शॉप जाके आता हूँ, फिल्म जा रहा हूँ बोलकर मैं चर्च आ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं देखो फिल्म देख रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सब पाप है, ये काम करने के लिए आपको लज्जित होना है। लेकिन क्यों जी परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए शर्मिंदा होते हैं? ये पाप नहीं है, ये सच्चा मार्ग है, ये कोई कन्वर्शन नहीं है, आपका दिल का परिवर्तन है। मैं जब विश्वास नहीं करता था मुझे बहुत गुस्सा आती थी, झूठ बोलता था, घर में छोटे छोटे बातों में गुस्सा करता था। जब मैंने प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया, प्रभु ने मुझे सही और गलत का फ़र्क दिखाया, ये काम गलत है, इस तरह मत रहो, गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, सही बातें बोलो, सच्चाई बात करो, हाँ की हाँ या ना की ना तुम्हारी बात होना चाहिए, लोगों को देखकर मत डरो। यह पौलुस वही कहता है, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर की गवाही देने के कारण मैं कैदी हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार बताने के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ दुख उठाओ, कहते हुए पौलुस यहाँ बता रहा है। देखो, वचन सुनाने के लिए कभी भी लज्जित मत होना, गवाही देने के लिए लज्जित मत होना। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि परमेश्वर के नाम की महिमा आपके होठों के द्वारा, आपके जीवनी के द्वारा लोगों को बताए। इस सुंदर आशीर्वाद को, तोहफा को कभी भी इनकार मत करिए। आज मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चंगाई दी है, नौकरियाँ दी है, कर्जों से बाहर निकाला है, लेकिन वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परमेश्वर के बारे में गवाही नहीं देते। क्या कहते हैं? मेरा मेहनत है, मैंने कोशिश किया है, मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, नौकरी मिला है, मैंने दवाई इस्तेमाल किया है, वो डॉक्टर के पास गया है, वो हॉस्पिटल में गया हूँ, इसीलिए मुझे चंगाई मिली है। इस तरह लोगों की
बड़ाई करते हैं लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं करते, यही दुख की बात है। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है परमेश्वर की गवाही दो। मैं नहीं जानता आप में से किससे परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप परमेश्वर की गवाही दें। परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में काम किया है, आपको आशीर्वादें दी है, उस वचन को दूसरों को बताओ कि वचन पढ़ने के द्वारा मेरा जीवन बदला है, मेरे बुरे आदतों को परमेश्वर ने मेरे अंदर से बाहर निकाला है, मेरा सोच मेरा मन परिवर्तन हुआ है, यीशु मसीह के कारण मेरा जीवन बदला है, मैं परमेश्वर के रास्ते में हूँ, मैं एक धार्मिक जीवन बिता रहा हूँ। इस तरह आपको परमेश्वर की गवाही देना है। परमेश्वर यही आपसे चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी वचन के बारे में हो या गवाही देने में लज्जित मत होना। पौलुस कैदी हुआ, सुसमाचार के लिए अपना जान भी गवा दिया, उस तरह हम परमेश्वर के लिए कड़े होना चाहिए। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कैसा है? अगर चार लोग आपके साथ इकट्ठे हुए तो आप क्या बातें बोलते हैं? परमेश्वर के बारे में बोलते हैं या सांसारिक बातों में अखबार के बारे में बताते हो, क्या बोल रहे हो? अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी आशीर्वाद दिया है, मिराकल किया है, उस बात को लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य काम किया है। तब उनको एक एंकरेजमेंट मिलेगा, अगली बार उनको समस्या आए तो वो आपके पास आएंगे और पूछेंगे, भाई हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, बहन जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पिछले बार आपने बताया कि परमेश्वर ने आपको बीमारी से और आर्थिक समस्याओं से छुड़ाया है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी आशीष दे, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करेंगे, कहते हुए आपके पास आएंगे। इसीलिए परमेश्वर की गवाही देना मत भूलिए। समझ गए? अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रभु आपने एक सुंदर वचन से हमसे बात किया है। हाँ प्रभु, पौलुस की तरह हम भी तेरी गवाही देने के लिए, तेरा वचन का सामर्थ को दूसरों को बताने के लिए, हमारे जीवन में जितने भी आश्चर्य काम तूने किया है उसे प्रकट करने के लिए सहायता कर। प्रभु आज बहुत से लोग तेरी नाम की गवाही नहीं देते, जितने भी आशीर्वाद गवाहियाँ तूने दिया है उन सारे बातों को भूल जाते हैं और खुद के बारे में बोलते हैं, लोगों के बारे में बोलते हैं। लेकिन तूने कहा जो परमेश्वर की महिमा करता है वो आशीष पाएगा। आज मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बहुतायत से होने दे। आज मैं जो भी हूँ तेरे लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रभु दिल के साथ ये वचन सुनने वालों को मदद कर। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस सेविकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं, प्लीज़ आपकी गवाही मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट्स में बताइए। और अगर परमेश्वर ने सच में प्रेरणा दिया है तो इस सेविकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।